नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा की एक संस्था में। जानते हैं लड़कियों से बात करके कि क्या है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई, जानते खुद उनसे रूबरू हो गए, लाइव बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? बंटी। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं? 7 साल से। आप 7 सालों से डेरा से जुड़ी हुई हैं, लड़की हैं, लड़कियों के लिए डेरा सेफ नहीं है ये कहना मीडिया का है, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना तो ये है कि जितनी बाहर सेफ्टी जितनी नहीं है लड़कियों के लिए, उतनी की डेरे के अंदर है। और अपने पड़ोस में या कहीं पे विश्वास नहीं कर सकते, उतना हम डेरे पे विश्वास कर सकते हैं। आज आपका कितना विश्वास है? मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है, मैं बता नहीं सकती कितना विश्वास है मुझे पिता जी पे अपने। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या मिला है आपको यहाँ से कि आज आपका इतना विश्वास है? मुझे बहुत दिन हो गए आते आते, और जितना प्रेम अपनी संगत से मिला है या डेरे में आकर, मतलब जितना अच्छा ही दिखती मुझे बाहर नहीं दिखती थी। क्या आपके परिवार के और भी सदस्य डेरा से जुड़े हुए हैं? जुड़े, सभी जुड़े हुए हैं हमारे घर में। आज कितना विश्वास है आपको? हमें, मेरे को और मेरे परिवार को बहुत विश्वास है अपने पिताजी पे। जो डेरा के बारे में मीडिया ने जो अफवाहें फैलाई थी, जो खबरें फैलाई थी, वो कितना सच है? वो सब झूठ है। टीआरपी बढ़ाने के लिए डेरे की बदनामी करते हैं, और अपने जैसे कहते नहीं कि पैसे कमाने का जरिया बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं वो लोग। जो कार्य बाबा जी के रहते हुए किए जाते थे, उनके फॉलोवर जो मानव भलाई के कार्य करते थे, क्या वो आज भी किए जाते हैं? अब भी किए जाते हैं, हम भी करते हैं। सारे भल जितने भी मानव भलाई के कार्य हम भी करते हैं, उसमें से कुछ तो करते ही हैं। आज समाज को कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है। जिस तरह से हमारा देश बढ़ता जा रहा है आगे, उस हिसाब से बहुत ही जरूरत है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, सत्संगियों के लिए नहीं, बाहर भी बहुत जरूरत है। जैसे सर नशा करते हैं, हमारे पिताजी तो नशा छुड़वाते हैं। ऐसा क्या किया है समाज के लिए जो आज समाज को इतनी जरूरत है बाबा जी की? बहुत जरूरत बहुत करा है, नशा छुड़वाया है पिताजी ने, उन गरीब लड़की की शादी करवाई है, वैश्याओं को मतलब शादी करवाई अपनी बेटी बनाकर। और आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं करा जितने कार्य हमारे पिताजी ने करे हैं, हमारे गुरुजी ने करे हैं, और अपनी लड़कियों को अपनी बेटी बना के शादी करवाई है।